और गोपालगंज में बीजेपी की जीत। बिहार में दोनों सीटों पर लगभग रुझान आ चुका है। मोकामा में आरजेडी ने जीत का परचम लहराया है, वहीं गोपालगंज में बीजेपी आगे निकल गई है। दोनों सीटों पर जीत को लेकर औपचारिक घोषणा बाकी है। गोपालगंज में कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को आखिरी राउंड में 2183 वोटों से हराया है। गोपालगंज में बीजेपी 70,053 वोट से आगे रही है। बता दें कि बीजेपी की कुसुम देवी शुरू से ही बढ़त बना ली थी। 20वें राउंड में आरजेडी के मोहन गुप्ता आगे निकल गए, उन्होंने 1135 वोट की बढ़त ले ली, लेकिन 22वें राउंड में फिर बीजेपी आगे निकल गई। आखिरी 24वें राउंड तक बीजेपी ने बरकरार रखी और जीत दर्ज की। वहीं आरजेडी के 67,870 वोटों से पीछे रहे। उधर मोकामा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। नीलम देवी 16,420 वोट से चुनाव जीती हैं। 21वें राउंड में नीलम देवी को 89,178 वोट मिले, वहीं सोनम देवी को 62,758 वोट मिले। अनंत आवास के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे, जीत का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। दोनों जगहों पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कानूनी जंग न्यूज के लिए बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट।